आप लोग बीच रोड पर क्यों बैठ गए? बीच रोड पर नहीं, हम लोग अपना निशान लेकर मुख्यमंत्री बिहार के जो राजा है भाषण दे रहे हैं। उनका भाषण जब समाप्त होगा तो इससे जो सिपाही लोग जो है हम लोग को जाने देगा। ये दुर्भाग्य बात है कि तिरंगा लेकर चलना भी आज दुश्वार हो गया है। हम लोग हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा पर निकले हैं, संविधान दिवस के दिन निकले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हम लोगों को रोक दिए। आपके भीड़ देखकर कहीं नीतीश कुमार डर तो नहीं गए? भीड़ देखकर नीतीश कुमार डर तो नहीं गए? हवा निकल गया है, जदयू राजद का हवा निकल गया है। नीतीश कुमार का चुनाव है, चुनाव पता दारू का चुनाव, डर गए हैं, डर गए हैं, हाकार मच गया है। तब तो मेरा कुर्सी छिना लगा, हाकार मच गया। सवाल क्या है? राजनीति से प्रयास कर रहे हैं, मेरा घर अभी रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि लगातार प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना भीड़, हजारों के हजारों में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं आज इकट्ठा हुए हैं। और शायद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहना है कि हमारी भीड़ देखकर नीतीश कुमार हमारे भीड़ को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, तिरंगा यात्रा को रोका जा रहा है। और आइए हम बात करते हैं। कौन सा मांग है आपका? आपका कौन सा मांग है? जब तक सूरज चांद रहेगा भैया तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज लगातार भीड़ को रोका जा रहा है, क्यों आप लोगों को तिरंगा यात्रा रोका जा रहा है? जी हाँ, रोका जा रहा है, इस साजिश के तहत रोका जा रहा है। आज संविधान दिवस है, इस अवसर पे हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से पूरी तरह से परमिशन लेकर के जा रहा हूँ। इस बिहार को करप्शन मुक्त करना है। आप तो देख ही रहे हैं कि करप्शन का ग्राफ कितना बढ़ रहा है और यहाँ की शासन, यहाँ की जो सरकार है भयभीत हो रही है कि फिर वो जो दिल्ली में हम लोगों ने कर दिखाया है और उस जो काम किया है उससे डर करके हम लोगों को रोका जा रहा है कि ये तिरंगा जो हमारा यात्रा है यहाँ के लोगों को जागृति लाएगी और करप्शन मुक्त लाने की। आप जान रहे हैं कि करप्शन से पूरा झेल रहे हैं, यहाँ लोगों का आज दिन मर्डर हो जा रहा है, कई अधिवक्ताओं की भी मर्डर इधर हुई है जिसमें कुछ नहीं किया गया है। तो तत्काल हम लोग ये है कि यहाँ के लोगों को जगाना है और ईमानदार पॉलिटिक्स पे उन लोगों को लाने की कोशिश करनी है और बिहार का भी कायाकल्प दिल्ली जैसा करना है। पत्रकार पर जो हमला हो रहा है, नीतीश कुमार कहाँ सोए हुए हैं? पत्रकार के साथ जो हत्या किया गया है बेनीपुर में, अभिषेक कुमार का जो सच्चाई के लिए आवाज उठाया उसको आग लगा दिया गया, कहाँ है नीतीश कुमार सोए हुए हैं? हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बिहार का जनता के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, उस तरह से हम लोग आम आदमी पार्टी को लाने का काम करेंगे और बिहार में हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य पर फ्री करेंगे।